ये देखिए कौन आ गई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जी हाँ, चिट्ठी इज बैक। यू नो, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कल मैं जरूर आऊंगी, सो आ गई। यू नो, आज भी होगा आपका फुल एंटरटेनमेंट, क्योंकि छुट्टी सिर्फ आपके लिए आती है, क्योंकि छुट्टी करना जानती है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ओके, बहुत हो गई मेरी तारीफ। यू नो, जैसे कि आपको पता है कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और जब प्रोग्राम शुरू होता है, यू नो, मैं अपना एक सुविचार आपसे जरूर शेयर करती हूँ। तो आज का सुविचार ये है, यू नो, अच्छा दिखने के लिए मत जियो, अच्छा बनने के लिए जियो। माय गॉड, व्हाट अ सुविचार। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे। अरे बाबा, अपनी जोक्स की तरफ। So, are you ready for my funny jokes? पता नहीं अब ये कौन कह रहा है कि भीड़ में आप खड़े हो और सबका सर अगर नीचे हो और आपका सर ऊंचा हो तो आप महान नहीं हो। यू नो, इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल का यू नो नेट पैक खत्म हो गया है। माय गॉड। यू नो, जो बच्चे एग्जाम्स के वक्त पांचवे प्रश्न का जवाब पांच पन्नों में लिखते हैं, दरअसल वही बच्चे बड़े होकर टीवी सीरियल्स के यू नो कहानियां लिखते हैं। पता नहीं ये कौन कह रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि चीन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? यू नो, मुझे पता है क्यों नहीं खेलता। सिंपल है यार, यू नो, टेक्निकल प्रॉब्लम। वहां पर सबके चेहरे एक जैसे होते हैं, अगर कोई आउट भी हो जाए तो वो फिर से अपना मुंह धोकर आ सकता है। क्यों, मैंने सही कहा ना, बचपन से मैं क्लेवर हूँ, लेकिन कभी मैंने घमंड नहीं किया। यू नो, कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता, मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ। अभी यू नो, अंग्रेजों के गवर्नर जो कपड़े पहनते थे लोगों को डराने के लिए, आज वही हमारे बैंड वाले पहनते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना। यू नो फ्रेंड्स, 2016 सिर्फ तीन लोगों का है, पूछो कौन, पूछो पूछो। पहला आलिया, दूसरा मालिया, तीसरा कालिया। अभी आप बोलोगे कौन कालिया, शोले वाला? अरे बाबा, वो कालिया नहीं, हमारे वेस्ट इंडीज। यू नो फ्रेंड्स, अभी शाम होने वाली है, मुझे घर भी जाना है, लेकिन आज मैं यू नो खुद होकर घर नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मी आने वाली है। ओके, तो ओके, जाते जाते आपको तो पता ही है मैं तो हमेशा ज्ञान देती हूँ। ओके, आज का ज्ञान ये है कि जो झुकता है वही सारी दुनिया को झुका सकता है। तो ये था आज का ज्ञान। ओके, जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी आप सबसे, यू नो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नवी मुंबई आवाज, अपनी आवाज। ओके, चलो बाय। मैं यहाँ पर बैठ के अपनी मम्मी का इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? आप लोग बस अपना ख्याल रखिएगा। बाय।